देखिए पांचवें चरण के आज मतदान है, हम लोग बूथ कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें रास्ते में जो भी बूथ मिलता जा रहा है वहाँ हम रुक के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी मैं अमेठी पहुँच गई हूँ, अमेठी विधानसभा के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। सामने मेरे बूथ हैं, आप देख सकते हैं। बूथ से लोग निकलेंगे बाहर, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दे जानेंगे, वोट देकर आए हैं, किन मुद्दों पर देकर आए हैं। अमेठी से जैसे कि आपको पता ही है कि राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी अब यहाँ पर सांसद हैं और कितना विकास हुआ है उनके राज में वो भी लोगों से जानेंगे। नाम है आपका? नाम प्रताप सिंह। अच्छा, वोट देकर आए हैं तो निशान दिखा दीजिए कैमरा में, जो उंगली पे निशान लगाया होगा। अच्छा, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? कोनो मुद्दा नहीं है बीजेपी में। हाँ, क्या मुद्दा है? अरे कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी में वोट डालना था डाल दिया। अच्छा, वोट डालना था बस डाल दिया। सुधार हो रहा है, विकास हो रहा है या नहीं? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। हाँ। अमेठी में पिछले 5 सालों में पहले से ज्यादा हुआ है कि कम हुआ? ज्यादा हुआ है। ज्यादा हुआ। माता जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? यही मलिका। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है? यही में लिखा बात। अच्छा, इसमें लिखा है आपका नाम। चलिए कोई बात नहीं, वोट दे के आई हैं, वोट डाल के आई हैं, मतदान करके आई हैं, करके आई हैं। अमेठी में विकास हुआ, सुधार हुआ? कहाँ जानी, हम नहीं जानते। नहीं जानते, चलिए ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप जाइए। आइए आंटी जी, क्या नाम है आपका? विद्या देवी। अच्छा, आप वोट दे आई हैं। आप दोनों ऐसे करके निशान दिखा दीजिए अपना कैमरा में, जो निशान लगा होगा उंगली पे। आप पार्टी का नाम मत लीजिए, आप ये बताइए कि अमेठी में कितना काम हुआ, विकास हुआ? बहुत हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया, हमने अपने प्रधानमंत्री को ही वोट दिया। अच्छा, चलिए फिर भी आपने बता ही दिया नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोरमा है। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट देकर आई हैं? अरे मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अमेठी में पहले के हिसाब से ज्यादा विकास है कि कम है? सुविधाएं ज्यादा है, कम है? सुविधाएं तो पूरे देश में ही है। अब अमेठी में हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पूरे देश में है आपको उससे संतुष्टि है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका बाबा जी? रघुनाथ पांडे। वोट देकर आ रहे हैं? जी हाँ। निशान दिखा दीजिए ऐसे, जिस उंगली पे निशान लगाए होंगे वोट देकर आए हैं। जी हाँ। दिखाइए निशान, ऐसे दिखा दीजिए उंगली। बाबा जी किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? अरे विकास के मुद्दे पर हम वोट दे के आए हैं। विकास के मुद्दे पर? हाँ। विकास हुआ कि नहीं हुआ अमेठी में? विकास हुआ अमेठी में और हो भी रहा है। हो भी रहा है जी। अच्छा, इन 5 सालों में पिछली सरकारों से ज्यादा आपको लग रहा है विकास? डबल हुआ है। हाँ। संतुष्ट है सरकार? हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? किरण। आपका? ज्योति। अच्छा, आप दोनों अपना निशान दिखा दीजिए, अगर वोट देकर आ रहे हैं तो। निशान हम वोट नहीं दिए हैं अभी, देने दूसरी जगह उठा हम खाना। अच्छा, आप देकर आई हैं, आप दिखा दीजिए ऐसे, ऐसे दिखा दीजिए ऐसे उंगली। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट देकर आ रही हैं? अमेठी में क्या मुद्दे चल रहे हैं, विकास है नहीं है, सुधार हुआ है नहीं हुआ? कहाँ पूछा थी मुझे समझ में। अच्छा, अमेठी में काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है? हाँ करता। हाँ सब अच्छा। हाँ सब अच्छा कर। सुविधा मिलती है? हाँ सब कुछ अच्छा सुविधा मिलती है। मिलती है। हाँ। अच्छा, पिछली सरकार से ज्यादा अच्छी सुविधा है कि कम अच्छी सुविधा है पिछली सरकार में? सब ठीक है। अभी ठीक है सब? सब ठीक है। ये महंगाई बढ़ाए यहाँ और सब तो ठीक ही है। और सब ठीक है? हाँ, महंगाई ये बढ़ाए दिए यहाँ और सब तो ठीक है जो है। अच्छा, सिर्फ महंगाई बढ़ी? महंगाई बढ़ी है। चलिए ठीक है। माता जी आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे अंत्य है हमारे। अच्छा कोई नहीं, आप बता दीजिए, अमेठी से है ना? अमेठी में सुधार हुआ? हाँ ठीक हुआ है। हुआ है? अच्छा, तो औरतों को सुरक्षा मिल रही है? हाँ मिल रही है। मिल रही है। क्या नाम है आपका? कामिनी। माता जी आपका क्या नाम है? सुगई। वोट दे आई हैं आप? हाँ। अच्छा, निशान एक बार दिखाएंगे ऐसे करके, उंगली पे निशान लगा होगा। हाँ, माता जी के भी हाथ पे निशान है। आप किस मुद्दे पर दे के आई हैं? अमेठी में विकास हो रहा है, सुविधा मिल रही है? हाँ। सब मिलता है? हाँ। अच्छा, आपको? सब मिलता है। सब मिलता है। कितनी सुविधा हुई है पिछली सरकारों से, ज्यादा की कम? ज्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई है। कम नहीं हुई है। संतुष्ट है सरकार? संतुष्ट है। चलिए माता जी आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? शीला। वोट दे आई हैं? मेरा आया ही नहीं, आया ही नहीं। आधार कार्ड की सुख दिए हैं पता करने को, पता हुआ नहीं अभी। अच्छा अच्छा। हाँ मेरा आया ही नहीं तो क्या करें, वोट क्या दें? कोई बात नहीं। अच्छा ये बता दीजिए अमेठी में कितना विकास हुआ? बहुत ज्यादा विकास हुआ भाई, बहुत उन्नत किए योगी जी। हाँ हम लोग खुश हैं उनके ऊपर, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास तो एक लड़का विकलांग है और समझ लीजिए उसके ब्रेन ट्यूमर हुआ है। अच्छा, अच्छा। फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है, हमारी बहू का वो ऑपरेशन हुआ था बच्चेदानी का, मेरा पैर टूटा है। हाँ। तो योगी जी ने सुविधा दिया? नहीं कुछ नहीं। हाँ नहीं दिए हैं, उसमें दिए थे। अच्छा, अच्छा। हमको राहुल गांधी ने कितना सुविधा दिया यहाँ पर? कुछ नहीं, उनका तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। कुछ नहीं जानते? नहीं, योगी जी को जानते हैं। हाँ योगी जी हमको विक्रम सिंह दिए थे, हमको 1,00,000 रुपया। हाँ अभी चल रहा है बल्कि पीजीआई में उनका।
हाँ उनका चल रहा है भाई, मतलब संतुष्ट है सरकार। बिल्कुल संतुष्ट हम इस सरकार से, खुश है। यही थोड़ा सा वो है कि खेती में कुछ नहीं पा रहे हैं, यही सांड की वजह से, सांड की वजह से। हाँ यही पर खाने के लिए तो मोदी जी बोल दिए हैं कि इसका भी समाधान जल्द हो जाएगा और सब समझ लीजिए खरीदना ही पड़ता है हमको। अच्छा अच्छा। हाँ छोटे बच्चे हैं, विकलांग लड़का है, उसको भी पेंशन मिल रही है। चलिए ठीक है, आपकी बात हम पहुँचा देंगे। क्या नाम है आपका? रामराज मिश्रा। वोट देकर आए हैं? हाँ। ऐसे निशान दिखा दीजिए एक बार, ये निशान लगा होगा उंगली पे आपकी। हाँ, इधर दिखाइए ऐसे। अंकल जी किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? हम सब भगवान के नाम पर दे के आए हैं। भगवान के नाम पे? और क्या, अमेठी में क्या मुद्दे चल रहे हैं? अमेठी में हम मुद्दा नहीं बता सके भैया, हम अपन मुद्दा जाएंगे कि जो भगवान का नाम है वही हम कर रहे हैं। जो भगवान का तो बस अब अंतिम है। विकास हुआ कि नहीं? विकास तो बिल्कुल हुआ। हुआ है? बिल्कुल हुआ। अच्छा, राहुल गांधी ने ज्यादा विकास किया था क्या अमेठी में? राहुल गांधी पहले थे तो विकास करते थे, उनके माता पिता और भी रहते थे तो भी विकास करते थे, और आज वो भी हैं तो भी हम लोगों को देख रहे हैं। जो स्मृति ईरानी है यहाँ से, कितना स्मृति ईरानी बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, उन्होंने जब से आई तब से बड़ा अच्छा किया। मोदी जी ने भी अच्छा किया, जोगी ने भी बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है, सब बिल्कुल सबको संचित रूप से देख रहे हैं। ठीक है। और प्रेम से सबसे बात हो रही है, सबको भोजन व्यवस्था हर चीज़ नीक अच्छा खराब सबको देख रहे हैं। ठीक है। अब ईश्वर तो है नहीं कि हर जगह छाया कर देंगे। हाँ। या हर जगह बरसात कर देंगे, समझे? तो इस सरकार में पिछली सरकारों से ज़्यादा विकास है कि कम? अरे सब सरकार बराबर रही साहब, बिल्कुल बराबर रही है। वाजो वाह, कोनो कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई कमी? ठीक है सर, धन्यवाद। आइए बाबा जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुनरायन तिवारी। बाबा जी वोट दे आए हैं? हाँ दे आए। निशान ऐसे दिखा दीजिए उंगली, जिस उंगली पे निशान लगा होगा आपकी। हाँ। इस पे लगा है, ऐसे दिखाइए इसको, ऐसे। हाँ बाबा जी किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? जो भाई देश की सेवा करे उसी मुद्दे पर हम लोग। अच्छा, देश की सेवा जो करे। विकास हो रहा है कि नहीं? अब विकास तो हो रहा है। हो रहा है? हाँ। अमेठी में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, पहले से ज्यादा कि कम? पहले तो नहीं हुआ, मगर नहीं अब जो है पहले वाला नहीं, मगर अब जो 5 साल हुआ है इसमें विकास अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी पे कुछ कहिएगा, राहुल गांधी जब थे यहाँ पे कितना काम करते थे? अब क्या बताए। हाँ, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं फिर भी विकास किए नहीं किए काम किए? वो तो कभी दिखाई नहीं पड़े। यहाँ दिखाई नहीं पड़े? नहीं। क्या नाम है आपका? रंजना। वोट देकर आई हैं? नहीं, वोट दे जा सही देने जा रही हैं। हाँ। किन मुद्दों पर देकर आएंगी वोट? विकास हो रहा है अमेठी में? अब भाई का सब समझ नहीं, कहाँ होता है कहाँ नहीं, नहीं पता है। आइए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? इधर आ जाइए इस तरफ सड़क से थोड़ा। क्या नाम है आपका? ज्योति वरनवाल। ज्योति, निशान दिखा दीजिए, वोट दे आई हैं? हाँ। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर है ज्योति, अमेठी में कितना काम हो रहा है? काम हुआ कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर गई थी आप जब वोट देने गई थी? आपने क्या सोचा कि हमारे अमेठी में और क्या होना चाहिए? हमारे घर में सब लोग भाजपा ही को देते हैं, हम लोग भाजपा को देते हैं। अच्छा, तो विकास कर रही है सरकार। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी एक बार निशान दिखा दीजिए ऐसे उंगली का। सर किस मुद्दे को लेकर गए थे वोट देने? विकास। विकास? विकास हो भी रहा है? विकास हो रहा है। हाँ। चाहे आपका उज्ज्वला गैस रही हो, चाहे रोड रहा हो, और लोगों को जो है आसानी से कोई छीना झपटी नहीं हो रही है, करप्शन कहीं ना कहीं कम हुआ है, इसलिए यही देख कर बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। अच्छा, अमेठी में आज से 5 साल पहले क्या हालात थे, और जब राहुल गांधी थे कितना सुविधाएं दी थी? रोड पे चलना मुश्किल था 5 साल पहले, थाने में दलाली चला करती थी, तहसील में घूस लगा करती थी। आज की डेट में डरता है इंसान, लेता भी होगा तो बहुत नॉमिनल लेता होगा, लेकिन डरता है। कहीं ना कहीं करप्शन हटा हुआ है, उसी के उसमें हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नाम है आपका? राम प्रताप सिंह। वोट दे आए हैं आप? दे आए हैं। बाबा जी निशान लगाए उंगली पे? हाँ जी। अच्छा, ऐसे दिखाइए। किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए? विकास के। विकास के? अमेठी में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ जी। अच्छा, किस सरकार में ज्यादा आपको लगा, पिछली सरकार में कि इस सरकार में? नहीं, इस सरकार में। इस सरकार में? राहुल गांधी भी कुछ कहिएगा, जब थे कितना काम करते थे? काम करते थे लेकिन हिसाब से काम नहीं किया उन्होंने। हिसाब से नहीं किया जी। अभी हो रहा है, स्मृति ईरानी करवा रही है काम? स्मृति ईरानी नहीं करवा रही, योगी जी करवा रहे हैं। योगी जी करवा रहे हैं जी। चलिए, तो उन्हीं के नाम पर आप वोट? हाँ जी। चलिए ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। आंटी जी आइए, इधर आ जाइए। वोट दे आई हैं? क्या नाम है? कुमकुम। अच्छा, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आई हैं आंटी जी? विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? हम तो मोदी को जानते हैं, मोदी के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। मोदी जी को जानती हैं? हाँ।
अच्छा, काम करवा रहे हैं? और का काम करवा रहे हैं। सुविधा देते हैं आपको? और का सुविधा देते हैं, यही है कि हमारे पति को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, रानी यही है, मेरे पति नहीं देता है। अच्छा अच्छा, बस यही सुविधा। आप सिर्फ मोदी जी को जानते हैं? हाँ, हम तो शुरू से मोदी जी को जानते हैं, हमारे मायके भी मोदी जी को जानते हैं, मायके वाले। अच्छा, राहुल गांधी को जानती हैं? राहुल गांधी को? हाँ। अच्छा, अमेठी में जब थे काम करते थे? अब उनको हम अपने आगे राहुल गांधी को नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं, चलिए ठीक है। बाबा जी वोट देकर आए हैं? हाँ। इधर आ जाइए एक बार। क्या नाम है आपका? गोकर्ण मिश्र। अच्छा बाबा जी, किस मुद्दे पर वोट देकर आए हैं? अमेठी में काम हो रहा है? अब एक तो हमारे कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। अच्छा बाबा जी आ गए, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? महादेव बरनवाल। आप दे आए हैं वोट? जी। बाबा जी निशान दिखा दीजिए ऐसे कैमरा में, निशान लगा होगा उंगली पे। हाँ ऐसे दिखाइए। बाबा जी किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? कोई जीत जाए मेठी को देखा कोई डाकन हो जाते हैं। मुद्दा क्या है? विकास हुआ नहीं हुआ, सुविधा अब तक पहुंची नहीं, अब कहे बुराई है, कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, खिलाफ किसी कह दो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा होता है क्या यहाँ? क्यों नहीं, गुंडागर्दी है। अरे दिनों में छोड़ ले, रात को बात छोड़ दे। आज मोदी जी का ध्यान है कि दूध को फ्री में खा रहे हैं। ठीक कर रहा है, उसका पूरा राशन फ्री में खा रहे हैं। क्या आंटी जी? हमारे आदमी हैं। अच्छा, पिल्सिन पाते हैं, मोदी जी का कोई खर्चा नहीं देते हैं, घर में लेके लुटाते हैं, ना खेत जोतने के लिए देते हैं, ना कुछ करते हैं। अच्छा आपके पति हैं? और क्या, क्यों नहीं देते? सब देता है, देखो जुआरी खर्चे क्यों नहीं करता? अच्छा हाँ, गंजेड़ी बजे मोदी जी का पेंशन सुविधा सब ले रहे हैं आप? और का यही सब छोड़ ले घर वाले। अच्छा, झूठ के आगे कोई बात है? हाँ, पूरा गांव जानता है कि सब पैसा छोड़ लेता है। हाँ, आप लोग वोट दे आए हैं? नहीं अभी नहीं दी। अभी नहीं दे के आए हैं? नहीं। जाएंगे देने? जाने। क्या नाम है आपका? अशोक मिश्रा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट देने के लिए? अरे जो निष्क्रिय विधायक था उसके खिलाफ वोटिंग होगी। अच्छा, जो विधायक था उसके खिलाफ काम अच्छा नहीं किया। चलिए ठीक है, आप दे आए हैं वोट? जी बिल्कुल। अच्छा, आप एक साथ अपना दिखा दीजिए चिन्ह जो आपका निशान लगा हुआ है उंगली पे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र निर्मल। अच्छा, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? हमने जो इस समय कानून व्यवस्था है भाजपा की सरकार में, मैंने एक चीज़ देखा है कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे शिक्षा का भी बहुत अच्छा रहा है, जो यहाँ प्रत्याशी उन्होंने कई कॉलेज भी ओपन किए हैं, जो बहु बेटियाँ भी जो भी हैं सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, शिक्षा भी हमारे अमेठी में बहुत सही है, कानून व्यवस्था भी बहुत सही रही है। अमेठी प्रत्याशी यहाँ से भाजपा के महाराज डॉक्टर संजय सिंह हैं, हम उन्हीं के साथ हैं। और कई ठीक है, जिनका हो गया वो लोग हटते जाइएगा प्लीज। आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र शुक्ला। धीरेन्द्र शुक्ला, आप वोट दे आए हैं सर? जी हाँ दे आए हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हैं कि आशीष शुक्ला 35 साल की राजनीति उन्होंने अमेठी शुरू की। हाँ। और अमेठी ही आज है। हाँ। हर दुख सुख में सभी बिरादरी के बीच में वो रहते हैं। आप तीनों बूथ से यहाँ से आशीष शुक्ला चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? स्वामिनेश प्रताप सिंह। अच्छा, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में योगी बाबा। विकास हो रहा है कि नहीं? विकास बहुत सुंदर हो रहा है। अच्छा, अमेठी में क्या कहेंगे, पहले के हिसाब से ज्यादा कि कम विकास हुआ? इस बार महाराज संजय सिंह 1,00,000 वोट से विजय हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग हट जाइए, जिसने बोल दिया वो लोग हटते जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार मौर्य है। वोट दे आए हैं? हाँ वोट देने जा रहे हैं। जी किन मुद्दों पर वोट देकर आएंगे? ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। महंगाई और बेरोजगारी ज्यादा हो गया जी। अच्छा, अमेठी में कितना विकास हुआ? अमेठी में जो राजीव गांधी राहुल गांधी और किए थे विकास, उसके अलावा कुछ भी विकास नहीं हुआ। जो उन्होंने जाल बिछाया था उसको अपने नाम मौके की सरकार ले रही है। अच्छा ठीक है, आपका हो गया अंकल जी? ठीक है। अच्छा, आप भी वोट देकर आए हैं? जी जी। क्या नाम है? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी किन मुद्दों पर वोट देकर आए हैं? विकास, सुरक्षा, वोट फॉर उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तम प्रदेश बन रहा है क्या? जी जी बन रहा है। जी जी। अमेठी में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। पहले के हिसाब से 99% विकास हुआ है। हमारे 2 किलोमीटर मिसरौली रेलवे स्टेशन है, यहीं से आप देखना शुरू कर दीजिए, और जहां लोकसभा आपकी जहां रायबरेली बॉर्डर है वहां तक देखते चले जाइए, आपको सड़क पे ही मिल जाएगा विकास, दाहिने बाएं जाने की जरूरत नहीं। स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहिएगा, कैसा काम कर रहे? बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। आपका? जगदम्बा मिश्रा। वोट दे आए हैं? अभी नहीं। अभी नहीं देखे? अभी नहीं। किन मुद्दों पर देखे आएंगे वोट? मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा जो भी है सब ठीक है। सब ठीक है जी। अमेठी में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से आप इसी मुद्दे पर आप वोट? जी ठीक है। क्या नाम है? सौरव कुमार त्रिपाठी। वोट दे आए हैं? अभी नहीं। जाएंगे देने? देंगे। किन मुद्दों पर दे के आएंगे वोट? मुद्दा यही है भाजपा के पास कि केवल जो है राम मंदिर, काशी मंदिर और गेहूं चढ़ाना, यही सब है, इसीलिए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके अलावा विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है विकास।
आपका क्या नाम है? कुलदीप त्रिपाठी। आप वोट दे आए हैं सर? नहीं, अभी नहीं दे के आए। नहीं, देने जाइएगा। किन मुद्दों पर देने जाएंगे? अब मुद्दा सही है, योगी सरकार बहुत सही काम कर रही है और हम इसके समर्थन में हैं और हम भाजपा को वोट देंगे। समर्थन में है, लेकिन क्यों समर्थन में है? स्मृति ईरानी कैसा काम कर रही है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल विकास हो रहा है। हो रहा है जी। पहले की सरकार के हिसाब से कितना? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है, 95% अच्छा हुआ है। चलिए ठीक है, आप वोट दे आए हैं? संतोष कुमार त्रिपाठी। अच्छा, निशान दिखा दीजिए एक बार। निशान लगाया होगा उंगली पे, ऐसे दिखा दीजिए कैमरा में। हाँ, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? कि विकास होना चाहिए यहाँ का, लेकिन विकास हुआ नहीं। हुआ नहीं है जी? नहीं। अच्छा, पिछले 5 साल में कोई विकास? विकास नहीं, कोई नहीं। किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? मैं बेरोजगारी। बेरोजगारी पर वोट देकर आए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा है? आपका गायत्री प्रसाद मिश्र। अंकल जी, निशान दिखा दीजिए पहले, वोट देकर आए हैं आप? किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? अरे ये राम जन्मभूमि वगैरह। चलो साल राम जन्मभूमि क्या क्या है कि मंदिर बंत बाबर का मंदिर बन गया? बंत बा सुने भाई, गए नहीं लेकिन सुने हैं कि बंत उंत बा। अच्छा, तो वहाँ जो फिर उनके भाई बंत आप अभी दिन जाए भाजपा पे कहाँ करे जाए। मंदिर बन रहा है तो उससे खुश है? मंदिर बन रहा है उससे खुश है? आए और क्या खुश था भाई। तो उसी मुद्दे पर आप वोट देंगे? हाँ। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। अच्छा मनोज जी, वोट दे आए हैं आप? जी। अच्छा, निशान दिखाइए एक बार कैमरा में, किस मुद्दे पर आप वोट दे कर? मुद्दा विकास का है, हिंदुत्व की राजनीति का है और संजय सिंह 33 साल बाद राजनीति में आए हैं इसका है और उस स्तर पर हम लोगों ने उनको वोट किया है। बड़ी संख्या में मतदाता निकल कर वोट कर रहे हैं और ये अपील की जाती है कि सब लोग वोट करें जिससे वोट परसेंटेज भी बढ़े और सरकार मजबूत बने। अमेठी में सुधार हो रहा है कि नहीं? अमेठी में सुधार हुआ है, हर तरीके के बाईपास और ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, हर तरीके का विकास जो स्मृति ईरानी ने लाया है, बड़े स्तर पर यहाँ विकास के कार्य हुए हैं और इसीलिए वोटर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। राम कृपाल तिवारी नाम हमारा। अंकल जी, निशान दिखा दीजिए ऐसे करके, अगर वोट देकर आए हैं। निशान लगा है, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? हम पशु मुद्दे पर वोट देकर आए हैं, कांग्रेस को वोट देकर आए हैं। अच्छा ठीक है, विकास नहीं हुआ अमेठी में? नहीं नहीं हुआ। हुआ भी था, वो भी चला गया। अच्छा, वो भी चला गया। हाँ ठीक है, HCL भी जाने वाला है। ठीक है, ट्यूबलाइटी चली गई। ठीक है, ये देख रहे हैं आप पशुओं को? देखो इधर देखिए, ये नजारा है, ये खेत है, देखिए जाके। अंकल माइक तो आप इधर कर रहे हैं सारा। पूरा पूरा खेत जो है हमारा खराब होता जा रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है, धन्यवाद है आपको। ठीक है ठीक है, मोदी जी को भी धन्यवाद है, हमारे राहुल जी को भी धन्यवाद। नाम आपका? शिवशंकर मिश्रा। वोट देकर आए हैं जी? मैम सर, निशान दिखा दीजिए एक बार, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास हुआ कि नहीं हुआ में? जी हुआ है, विकास हुआ है जी। पिछले 5 साल में कितना हुआ और बदलाव कितना आया सुधार में? बदलाव में बहुत है, जैसे पहले जो है सपा बसपा की सरकार थी उसमें विकास नहीं हुआ था, जब से भाजपा सरकार आई केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है और आर्मी सैनिक स्कूल है और रोजगार के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, तो इससे विकास बहुत हुआ है। ठीक है, राहुल गांधी थे जब इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया? कुछ नहीं हुआ था मैम, ये सब मुद्दे नहीं, कुछ नहीं हुआ था। चलिए ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा क्या नाम है आपका? कुसुमा। अच्छा, निशान लगा है उंगली पे, ऐसे दिखा दीजिए कैमरा में, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आई हैं? है? विकास हो रहा है नहीं हो रहा अमेठी में? हो रहा है। सुधार हो रहा है? हाँ। सुविधाएं मिलती हैं आपको? हाँ। चलिए ठीक है, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुदामा है। अच्छा, आप एक बार निशान ऐसे दिखा दीजिए, ये जो निशान लग रहा है उंगली पे ऐसे दिखा दीजिए, किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं अमेठी में? क्या मुद्दे चल रहे हैं? विकास हुआ नहीं हुआ, सुधार हुआ नहीं हुआ? विकास तो बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है? हाँ। पहले के हिसाब से ज्यादा की काम? नहीं, ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? हाँ। अच्छा, पिछले 5 साल में क्या क्या सुधार आया, क्या क्या बदलाव आया? अरे सड़कें बन रही हैं और स्टेशन बन रहे हैं और सबको राशन मिल रहा है फ्री, पैसा मिल रहा है। अच्छा चलिए, तो मतलब सुविधाएं आप तक पहुंच पा रही हैं? मिल रही। चलिए ठीक, नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी सर, वोट दे आए हैं? जी सर। ऐसे निशान दिखा दीजिए वोट का देकर आए हैं, निशान लगा है उंगली पे? जी सर। अच्छा, ऐसे दिखा दीजिए अंगूठा, क्या लगता है क्या मुद्दे रहे हैं आपके जिन पर आप वोट देकर आए हैं? जी सर, अमेठी में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है सर, सबों की माया है। हुआ है विकास? हाँ 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 सर, सुविधाएं मिलती हैं? हाँ सर, सब हमें सुविधा मिलती है। हाँ। खाने पा रहे हैं सब, जी रहे हैं हम। अच्छा जी सर, पिछले 5 साल में बदलाव हुआ, सुधार? काफी हुआ? काफी सर, काफी काफी हुआ। हाँ जी सर, क्या नाम है? शांति पांडे। वोट दे आई हैं? हाँ। अम्मा जी ऐसे करके उंगली दिखा दीजिए कैमरा में, ये वाली जिसपे निशान लगा है, ऐसे करके दिखाइए ऐसे। हाँ,
अच्छा ये बताइए किन मुद्दों पर आप वोट देकर आई हैं, अमेठी में क्या मुद्दे चल रहे हैं, विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये सब हमें कोई मालूम नहीं, हमको वोट देना है तो देना है। अच्छा वोट दे आई हैं बस। हाँ बस। अच्छा वैसे सुधार आया कि नहीं पहले से? आया तो भाई। आया है? हाँ। सुरक्षा सुविधा मिल रही है? काफी मिल रही है। काफी मिल रही है। हाँ चलिए ठीक है मैम, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? शाहजहाँ। अच्छा वोट दे आई हैं आप? जी। निशान दिखा दीजिए ऐसे, आप ये उंगली पे निशान लगा होगा ना, ऐसे दिखा दीजिए। किस मुद्दे पर आप वोट देकर आई हैं? मुद्दे क्या? हम भारत के नागरिक हैं इसलिए वोट देकर आए हैं। नहीं मुद्दे भी तो कुछ होते होंगे आपके, विकास का मुद्दा है, सुधार का मुद्दा है। हमारी सरकार ठीक है इसलिए हम वोट देकर आए हैं। सरकार ठीक है? भारत सरकार से कोई शिकायत नहीं है, हमारी सरकार सही है, जो भी सरकार रहती चाहे साइकिल चाहे कमल को भी, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमें अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए बस, और हमें कोई शिकायत नहीं है। तो सरकार में बदलाव भी तो चाहते हैं लोग, जैसे सुधार। क्या पब्लिक जिस दिन चाह लेगी सरकार बदल जाएगी। चलिए ठीक है आप दे आए हैं वोट? बिल्कुल। निशान दिखा दीजिए अपना एक बार कैमरा में आप भी। चलिए आप भी एक बार अपने मुद्दे बता दीजिए माता जी, क्या मुद्दे आपके रहे हैं? औरतों को सुरक्षा मिली नहीं मिली, सुविधा मिली नहीं मिली? अब क्या बोले बच्ची, हमें लोग का तो सबका अच्छा हुआ, सुरक्षा वही पीछे हम रहे। अच्छा पीछे आप रहे, आप बोल दीजिए आप क्या बोले, सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, अभी तक तो नहीं हुआ है जहाँ तक मैंने देखा है, होना चाहिए क्योंकि हम लोग नव युवक हैं, जहाँ तक देख रहे हैं अभी तक नहीं हुआ है, जातिवाद ज्यादा देश में फैला हुआ है। ठीक है बोली, कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको? नहीं जी। चलिए ठीक है आप आज ये वोट दे आए हैं? आप नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजय कुमार बरनवाल। अच्छा वोट देने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर आप जाएंगे वोट देने? हमें जो है शिक्षा और नौकरी, जैसे हम रोजगार बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी चाहिए। अच्छा, और जो है गांव में विकास होना चाहिए क्षेत्र में हमारे। ठीक है कितना विकास हुआ अमेठी में 5 सालों में? अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो बाहर से लोग जब आते हैं तो जानते हैं कि हाँ ये क्षेत्र जो है राहुल गांधी जी का है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो उनको जब ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं मिलती हैं तो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मतलब कि राहुल गांधी के क्षेत्र के नाम पे सिर्फ अमेठी चल रही है, बाकी कुछ विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब राहुल गांधी इतने साल से थे, कुछ किया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने किया लेकिन जो है यहाँ पे नहीं किया उन्होंने, जैसे जगदीशपुर हुआ ये हुआ, क्योंकि वहाँ वो चाहते हुए भी जो है यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके नीचे और जो सरकारें थी जो है जो लोग थे, मान लीजिए वहाँ से जैसे सांसद निधि से पैसा आता था तो ये लोग जो है नीचे के लोग सब उसको। चलिए राहुल गांधी चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे, अब ये कह रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। अच्छा वोट दे आए हैं अंकल जी? जी हाँ। ऐसे दिखाइए निशान कैमरा में। अंकल जी आपके क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट देकर आए हैं? अरे भाई विकास चाहिए गांव में, मतलब हाँ। देश का सरकार जो बने वो अपना मतलब विकास का कार्य करे। हाँ। तो अमेठी में हुआ नहीं हुआ विकास? हाँ, हुआ है विकास, हुआ है। पिछले 5 साल में कितना बदलाव? अरे बहुत काफ़ी बदलाव है भाई, रोड वगैरह बन गई हैं और मगरे बाद मतलब तमाम सुविधा पेंशन वगैरह विकलांग के सब मतलब मिलती हैं, सब मिलता है। हाँ हाँ सब। अच्छा राहुल गांधी थे तब इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया था? तब वो मिल रहा नहीं, बात नहीं रही, सब मिल रहा विकलांग वगैरह की पेंशन तब वो मिल रही, अभी की वो आप वह चला जाते रहे विशेष पब्लिक से। हाँ। बस यही और तो ठीक है सब। अच्छा निशान दिखा दीजिए अपना एक बार उंगली का, किस मुद्दे पर आप वोट दे कर आए हैं अंकल जी? अरे बेरोजगारी, आवारा पशु और तमाम मुद्दे हैं, इस तमाम मुद्दे हैं। जी आवारा पशुओं के लिए तो मोदी जी कह रहे हैं समाधान जल्द हो जाए, हमारी फसल खत्म हो जाएगी, समाधानों का क्या फायदा निकलेगा। अच्छा। चलिए तो यही मुद्दे आपके रहेंगे वोट देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम मतदाताओं से बात की है जो लोग वोट डालकर यहाँ से आ रहे हैं अमेठी में, इस वक्त मैं खड़ी हूँ। देखिए अमेठी में जिस तरीके से लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है यहाँ पर जितना विकास हुआ है, इन 5 सालों के अंदर विकास हुआ है। पिछली सरकारों की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बताया कि काम हो रहा था लेकिन इस तरीके से नहीं हो रहा था जैसे कि अभी इस सरकार में हो रहा है, और मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है।